Hi everyone, this video is about noun. We are going to study about the definition of noun, the kinds of noun and also some rules of noun. ये video मैंने specifically competitive examination के बच्चों के लिए बनाया है. आप लोगों के exam में error spotting के बहुत सारे questions आते हैं. या तो आपको सिर्फ error को spot करना होता है या फिर you also have to correct it. तो एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है. देखो इसका बेस्ट वे मैं आपको यही बताऊंगी. इफ यू हैव इनफ टाइम तो आप इंग्लिश ग्रामर के सभी रूल्स को पढ़ो. पार्ट्स ऑफ स्पीच की हर एक पार्ट का अगर आप रूल्स अच्छे से कर लोगे तो एरर स्पॉटिंग आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. हियर आई एम स्टार्टिंग विद नाउन. इस वीडियो में मैंने आपको 22 रूल्स दिए हैं सिर्फ नाउन के. डरो मत कि इतने सारे रूल्स, यू डू नॉट हैव टू क्रैम ऑल द रूल्स. आप सिर्फ थोड़ा सा समझ लो और आपका काम इजीली हो जाएगा. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. ये हमने बचपन से पढ़ा है ना. किसी भी इंसान का, जगह का, चीज का, क्वालिटी का, कंडीशन का या फिर एक्शन का नाम, उसे हम नाउन बोलते हैं. एग्जाम्पल, राम लिव्स इन दिल्ली. तो यहाँ पे नाउन क्या हुआ? राम और दिल्ली. आई लिव इन हैदराबाद. तो हैदराबाद यहाँ पे नाउन हो गया. देर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट विद द काइंड्स ऑफ नाउन, एक रूल आप हमेशा याद रखेंगे. इंग्लिश का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल है ये, इंग्लिश ग्रामर का. एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा एक सिंगुलर वर्ब आएगा और एक सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा एक प्लूरल वर्ब आएगा. ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो हम बहुत इजीली पहचान सकते हैं जिसके साथ एस और ईएस नहीं लगा हुआ है ना. लेकिन सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे केस थोड़ा सा उल्टा हो जाता है. बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज के अंदर. देखो, सिंगुलर वर्ब तब होगा जब हम उसके साथ में एस ई एस लगा देंगे. ठीक है, और वही वर्ब प्लूरल तब हो जाएगा जब हम वो एस और ई एस को वहां से हटा देंगे. ठीक है, ये चीज याद रखना. ऑल्दो आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, लेट्स जस्ट फोकस ऑन नाउन्स फॉर नाउ. अ फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होगा? किसी भी इंसान का, जगह का या चीज का नाम, जो चीज अपने आप में प्रॉपर है. ठीक है, जैसे जयपुर, चंडीगढ़, गरिमा, नेहा, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं. और प्रॉपर नाउन क्योंकि अपने आप में एक ही है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब लगेगा हमेशा. नेक्स्ट इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या है? इसके अंदर हम एक स्पेसिफिक क्लास को या एक ग्रुप को एक सिंगल नाम दे देते हैं. ठीक है, जैसे बॉय. अब बॉय, हमने इसके अंदर बहुत सारे लोग आ गए, जितने भी लोग लड़के हैं वो सब आ गए. गर्ल, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन पर्सन. ऐसे ही हम एक प्लेस को भी नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ विलेज और अ सिटी. फोन, बुक, ये सब क्या है? हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. हमने एक ग्रुप बना दिया जिसके अंदर वैसी ही सिमिलर सारी चीजें आ जाएंगी. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन के अंदर या तो हम कलेक्शन ऑफ पीपल की बात करेंगे या फिर कलेक्शन ऑफ थिंग्स की बात करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ज्यूरी, टीम, कमिटी, ये सब क्या है? कलेक्शन है. इन सब के अंदर लोगों का कलेक्शन है. ठीक है, इनके साथ में भी हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि हम हर चीज की एक यूनिट में बात कर रहे हैं. लेकिन अगर हम इनके मेंबर्स की बात करेंगे ना, देखो अगर कलेक्टिवली सबकी बात हो रही है कि कमिटी ने ये डिसीजन लिया है, तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, द कमिटी हैज गिवन इट्स डिसीजन. ठीक है, लेकिन हम अगर कमिटी के इंडिविजुअल मेंबर की बात करेंगे तो फिर तो वो तो बहुत सारे है ना, तो उसके साथ में हम ऑब्वियसली प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे. जैसे द टीम आर टेकिंग बाथ इन देयर बाथरूम. अब टीम यहाँ पे एज वन यूनिट तो नहीं यूज हो रही है, ऑब्वियसली उसके लोगों की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे.
नेक्स्ट इज मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन जो किसी चीज से बना हुआ हो, है ना, हम उस चीज के बारे में बात करते हैं. जैसे टी, प्लास्टिक, वाटर, गोल्ड, ऑयल, ये सब क्या है, ये मटीरियल नाउन है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो चीज हम देख नहीं सकते या टच नहीं कर सकते, इनटैंजिबल. फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी, कंडीशन, फीलिंग्स या आइडियाज. आपने एक कोटेशन सुना होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. तो इसके अंदर ऑनेस्टी क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम उसको ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं. इनटैंजिबल जो भी होगा वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा. फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, एंगर, पिटी, ये सब. नाउन्स को दो और तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. श्रेया, हमें समझ में आ रहा है कि एक लड़की है. रुपीज, जितने भी होंगे हम काउंट कर सकते हैं. बॉय, तो जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे. अब मैंने अभी एक रूल बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब. देखो ये वाला रूल भी सेम इसी रूल पे डिपेंड कर रहा है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब. एग्जाम्पल गिवेन है यहाँ पे, अ गर्ल इज गोइंग एंड गर्ल्स आर गोइंग. नेक्स्ट इज आर अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. इन सब के साथ में भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. एग्जाम्पल मिल्क, नॉलेज, ऑयल, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स. आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते हो, है ना, कि 10 नॉलेज है उसको, उसको 15 नॉलेज है, ऐसा नहीं होता है. इनके साथ में हमेशा वर्ब भी सिंगुलर यूज करते हैं. अच्छा, नाउन के कुछ केस भी होते हैं, चार केस होते हैं नाउन के. हम एक एक करके सब केसेस को कंसिडर करेंगे. नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, डेटिव केस एंड पजेसिव केस. नॉमिनेटिव केस में क्या होगा, यहाँ पे हम नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे. ठीक है, श्याम लिव्स इन विलेज, तो यहाँ पे श्याम हमारा नाउन था और वो एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है. ऐसे ही ऑब्जेक्टिव केस में हम उसे एज अ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे. आई लिव इन दिल्ली, आई हैव गिवन माई नोटबुक टू गरिमा. यहाँ पे दिल्ली और गरिमा क्या है, नाउन और ऑब्जेक्टिव केस में हमने यूज किए हैं. डेटिव केस में क्या है, हम एक नाउन को एड्रेस करते हैं, मतलब हम उससे बात कर रहे हैं. राम रीड केयरफुली, यहाँ पे मैंने राम से बात की है. ठीक है, तो इस केस को हम बोलते हैं डेटिव केस. देन कम्स अ पजेसिव केस. पजेसिव केस सबको पता है कि कोई किसी की पजेशन में है, कोई चीज अगर मेरी पजेशन में है तो वो पजेसिव केस बन जाएगा. राहुल्स नोटबुक, रियाज बुक, जहां भी अपोस्ट्रोफी और एस लग गया वो डेफिनेटली आपका क्या है, पजेसिव केस का नाउन. तो नाउ कम्स अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रूल्स ऑफ नाउन. ये सब रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं. रूल नंबर वन, देर आर सर्टेन नाउन्स विच कैन ओनली बी यूज इन सिंगुलर फॉर्म एज दे आर अनकाउंटेबल इन नेचर. अभी हमने जब टाइप्स किए थे तो हमने देखा था ना कि अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं और उनके साथ में हम वर्ब कैसा यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. देखो इन नाउन्स के साथ में ना कभी भी आप एस नहीं लगाओगे, क्योंकि ये एस लगा के प्लूरल नहीं बनते हैं, ये अपने आप में ही अनकाउंटेबल है. तो अगर किसी क्वेश्चन में लगेजेस है या पोस्टेजेस है तो वहीं पे आप एरर स्पॉट करके बहुत इजीली क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो. हम जब नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं ना तो हम बहुत बार हम हेयर को हेयर्स बोल देते हैं, वो भी बिल्कुल गलत है. इंफॉर्मेशंस भी नहीं होगा ये थोड़ी बहुत. देखो स्पीकिंग इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश और एक्चुअल इंग्लिश में बहुत फर्क होता है. अब बिकॉज ये नाउन्स अनकाउंटेबल है तो आप इनके साथ में ए और एन आर्टिकल भी नहीं लगाओगे. अगर हमने प्लुरालिटी दिखानी है इन नाउन्स के साथ में तो हम क्या यूज कर सकते हैं,
much or some words का use हम कर सकते हैं. Example देखते हैं. Your hair is beautiful. देखो यहाँ पे भी हमने एक बाल की तो बात नहीं की है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमने s नहीं लगाया, because hair क्या है हमारे, uncountable है. और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी uncountable nouns हैं उनके साथ में verb हमेशा singular लगेगा. I have much work to complete. यहाँ पे हमने work को plural बना दिया much word add करके. Let's see rule number second now. Plural verbs can be used with uncountable nouns by adding certain words before them. देखो uncountable noun के साथ अगर आपको plural verb लगाना है तो आपको कुछ words उनके साथ में add करने पड़ेंगे. Example से समझते हैं. All pieces of information given by him were fake. यहाँ पे हमारा verb क्या है, were है, ठीक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और हमने वर्ब प्लूरल वर्ब लगा दिया एंड द सेंटेंस इज करेक्ट. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो ध्यान से सेंटेंस को पढ़ के देखो, वर्ब जो हमारा वर्ब है ना वो पीसेस के लिए लगा है, इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं लगा. वर्ब इज डिनोटिंग पीसेस, वो इन्फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में हमने नहीं लगाया. नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं. सम पैकेट्स ऑफ ब्रेड वर गिवन टू द ऑर्फन. यहाँ पे भी हम ब्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, हम पैकेट्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने प्लूरल वर्ब लगाया यहाँ पे. तो आपको चेक करना है एग्जाम में क्वेश्चंस के लिए कि क्वेश्चन में वर्ब किसके लिए यूज हुआ है, कौन से वर्ड के लिए यूज हुआ है, फिर आप डिसाइड करोगे कि वहां पे वर्ब सही लगा है या गलत लगा है. डायरेक्टली ये देखा कि वर्ब प्लूरल है और नाउन जो है वो अनकाउंटेबल है तो एरर स्पॉट कर दिया. ऐसे नहीं करोगे, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ के समझना है कि वर्ब हमने किस वाले वर्ड के लिए यूज किया है. रूल नंबर 3, वी कैन नॉट यूज अपोस्ट्रॉफी विद नॉन लिविंग थिंग्स. देखो हमने पढ़ा था कि अपोस्ट्रॉफी एस का यूज हम पोजेशन शो करने के लिए करते हैं, तो पोजेशन तो किसी लिविंग का ही होगा ना. मेरा पोजेशन हो सकता है लेकिन किसी नॉन लिविंग थिंग का पोजेशन थोड़ी हो सकता है. तो जहां भी क्वेश्चन के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में अपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है तो आप वहां पे डायरेक्टली आप एरर स्पॉट कर सकते हो. जैसे द टी पॉट्स हैंडल इज गोल्डन इन कलर, सुनने में हमें ये सेंटेंस फिर भी ठीक लग रहा है, लेकिन जिसने इंग्लिश पढ़ी होगी, जिसको रूल पता है, वो फटाफट से एरर स्पॉट कर सकता है कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आप अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगा सकते. लेकिन एक चीज होती है जिसे बोलते हैं हम पर्सोनिफिकेशन, हम नॉन लिविंग थिंग को एज अ पर्सन बना देते हैं, ठीक है. इस केस के अंदर आप नॉन लिविंग थिंग के साथ में भी अपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हो, जैसे डेथ्स हैंड. वैसे देखे तो डेथ का हैंड तो होता ही नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे बनाया है, मतलब हम इसे पर्सोनिफाई कर रहे हैं, तो इन केसेस के अंदर हम अपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं. रूल नंबर 4, In order to show the position of plural noun ending with s, we do not repeat s while using apostrophe with them. देखो कोई plural है, हम किसी plural चीज का position बता रहे हैं तो वहां पे हम सिर्फ apostrophe लगा देंगे, s नहीं लगाएंगे. Example देखते हैं, cow's horn है ना, हमने apostrophe end में लगा दिया और उसके आगे हमने s नहीं लगाया. विमेन्स कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, यहाँ पे हम एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है. रूल नंबर 5, जब भी हम एक नाउन को प्रोनाउंस करते हैं तो वहां पे अगर हिजिंग साउंड आए ना, जैसे कॉन्साइंस, गणेश, पीस, इन वर्ड्स के साथ में भी हम सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, आगे एस नहीं लगाएंगे. अपोस्ट्रॉफी एस नहीं, सिर्फ अपोस्ट्रॉफी यूज होगा. आपको नाउन को प्रोनाउंस करके देखना है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ कोर्स, कि उसके साथ में हिजिंग साउंड आ रहा है या नहीं. रूल नंबर 6, इफ द पोजीशन ऑफ टू नाउन्स इज सेम देन अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड विद अ लेटर नाउन. दो लोगों के बारे में हमने बात की, ठीक है, दोनों का पोजीशन एक ही चीज का है तो वो अपोस्ट्रोफी सिर्फ लास्ट वाले नाउन के साथ लगाएंगे, ठीक है. जैसे शेरावत एंड सन्स शॉप,
तो शेरावत और सन दोनों का पोजेशन एक ही था, शॉप हमने अपोस्ट्रॉफी सिर्फ लास्ट वाले के साथ लगाया, और हमने अपोस्ट्रॉफी एस यहाँ नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल था वर्ड, सन्स वर्ड प्लूरल था. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, राम एंड श्याम्स ब्रदर इज वेरी नॉटी. हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि दोनों का एक ही भाई है ना. हम एक ही के बारे में बात करें, दोनों का पोजिशन सेम है, इसलिए हमने अपोस्ट्रॉफी एस सिर्फ बाद वाले नाउन के साथ लगाया. नेक्स्ट रूल इज, देखो हमने ये वाला रूल किया कि अगर दोनों का पोजिशन एक हो, इन केस दोनों का पोजिशन डिफरेंट हो, तो ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है ना कि फिर अपोस्ट्रॉफी एस दोनों के साथ लगेगा. इसी तरह से आपको रूल्स को समझना है, याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप याद हो जाएंगे. यहाँ है कि अगर दोनों का पोजेशन डिफरेंट है, फॉर एग्जाम्पल राम्स एंड श्याम्स फादर्स आर गुड फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों के फादर अलग अलग है, तो हमने अपोस्ट्रॉफी एस दोनों के साथ में लगाया. रूल नंबर 8, हम कभी भी डबल अपोस्ट्रॉफी एक साथ नहीं लगाते. ठीक है, सेंटेंस के अंदर एडजेसेंटली दो अपोस्ट्रॉफी नहीं लगनी चाहिए. एक सेंटेंस गिवन है यहाँ पे, माय मदर्स कजन्स ब्रदर इज वर्किंग इन आईटी सेक्टर. यहाँ पे हमने क्या किया, दो अपोस्ट्रॉफी एक साथ लगा दिए. ये ऐसा अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप एरर स्पॉट कर सकते हो इजीली. करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द ब्रदर ऑफ माय मदर्स कजन इज वर्किंग इन आईटी सेक्टर. नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 9, नॉन लिविंग थिंग्स का पर्सोनिफिकेशन. ठीक है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो ब्यूटी, फर्मनेस, स्ट्रेंथ या एनर्जी, इन चीजों को शो करते हैं, तो इनके साथ में हमेशा मैस्कुलिन वर्ब लगाते हैं. ठीक है, प्रोनाउन लगाते हैं, मैस्कुलिन समझते हैं हम इन नाउन्स को हमेशा जेंडर में, जैसे सन, टाइम, डेथ, विंटर, विंड, थंडर, ओशियन, वॉर, इन सबको हम हमेशा मैस्कुलिन जेंडर का मानते हैं, तो इनके साथ में प्रोनाउन भी ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ ऐसे ही नाउन्स प्रोनाउन्स लगते हैं. डेथ विद हिज बेयर हैंड्स वाज वेटिंग फॉर हर. ठीक है, ऐसे ही कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को हमेशा फेमिनाइन जेंडर का मानते हैं, जैसे ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस, जेंटलनेस, ये सब हमेशा फेमिनाइन जेंडर के होते हैं, तो इनके साथ में हम प्रोनाउन भी हमेशा फेमिनाइन जेंडर का ही लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हर और हरसेल्फ. जब हम किसी की ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात करते हैं, ठीक है, तो हम उस कंट्री के लिए इट का यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड इट्स नेबर्स. आपने पीछे एक एग्जाम्पल देखा होगा, लास्ट वाला एग्जाम्पल देखो, फ्रांस इज प्राउड ऑफ हर आर्किटेक्ट. यहाँ पे हमने फ्रांस भी कंट्री है और इंडिया भी कंट्री है, ठीक है, लेकिन हमने इंडिया के लिए इट का यूज किया है, लेकिन फ्रांस के लिए हर का यूज किया है. दिस इज बिकॉज यहाँ पे फ्रांस के बारे में बात हो रही थी, है ना, उसकी ग्रेसफुलनेस या उसकी ब्यूटी के बारे में बात हो रही थी, और यहाँ पे हम इंडिया के ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात कर रहे थे. तो जब भी ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करेंगे किसी भी कंट्री की, तो हम उसके साथ में हमेशा इट का यूज करेंगे. नेक्स्ट है रूल नंबर 12, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, एवरीबॉडी, ये सब जो वर्ड्स है ना, हमें इनका जेंडर तो नहीं पता, हम इनके साथ में हमेशा मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन लगाते हैं. देखो हम जो है, हम एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रह रहे हैं ना, पैट्रियार्कल सोसाइटी, तो जब हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं तो हम हर एक चीज को फर्स्टली मैन ही मानते हैं. ठीक है, हमें जिसका जेंडर नहीं पता उसके साथ में हम मोस्टली मैस्कुलिन जेंडर के ही प्रोनाउंस का यूज करेंगे. ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो, एवरीवन, एनीवन, नो वन, ऐसे वर्ड्स यूज हो, तो आप वहां पे हमेशा प्रोनाउन मैस्कुलिन जेंडर का ही लगाओगे. नेक्स्ट इज रूल नंबर 13, कॉमन जेंडर.
ये जेंडर्स जो है वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी. टीचर, डॉक्टर, थीफ, नेबर, इनका भी जेंडर हमें नहीं पता है, तो हम इनके साथ में भी हमेशा मैस्कुलिन जेंडर का ही यूज करते हैं. द डॉक्टर एंड हिज पेशेंट आर टॉकिंग लाउडली. द टीचर इज टीचिंग विद अ रेड पेन इन हिज हैंड. अगेन बिकॉज हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, इट इज मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, तो हम सबके साथ में मोस्टली मैस्कुलिन जेंडर का ही प्रोनाउन यूज करेंगे. बेबी, इन्फेंट एंड चाइल्ड, हमें इनका भी जेंडर नहीं पता है, तो इनके साथ में हम इट, इटसेल्फ, इट्स, इन सब का यूज करते हैं. द बेबी हैज ब्रोकन इट्स लेफ्ट आर्म. ये आप याद रखोगे थोड़ा सा कि बेबी, इन्फेंट और चाइल्ड के साथ में हम इट, इटसेल्फ का यूज करेंगे. लेकिन अगर ऑफकोर्स इनका जेंडर हमें पहले से मेंशन किया हुआ है तो हम उसके अकॉर्डिंगली प्रोनाउन लगाएंगे. द बेबी वॉज अ गर्ल, शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल. यहाँ पे तो इम्प्लाइड है कि ऑब्वियसली प्रोनाउन जो है वो फेमिनाइन जेंडर का ही आएगा बिकॉज आपको पहले ही जेंडर बता दिया. नेक्स्ट इज रूल नंबर 15. अगर सेम नाउन एक प्रेपोजिशन के बाद में रिपीट हो रहा है, ठीक है, दो नाउन्स हैं, दोनों सेम हैं और दोनों के बीच में एक प्रेपोजिशन है, तो उसके बाद में हम नाउन का सिंगुलर फॉर्म ही यूज करेंगे. कभी भी यहाँ पे हम नाउन को प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है. डे बाय डे होगा पर डेज बाय डेज नहीं होगा. बाय क्या है, एक प्रेपोजिशन है. ऐसे ही आफ्टर और टू भी प्रेपोजिशंस हैं और नाउन सेम यूज किया है हमने, तो यहाँ पे हम नाउन को सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे, प्लूरल नहीं बनाएंगे. Next is rule number 16. If a definite numeral adjective is followed by the following nouns, then the nouns should be used in singular form. अगर हमने कोई नंबर बताने वाला एडजेक्टिव यूज कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी नंबर, और उसके बाद में हमने ये वाले नाउन्स यूज कर लिए, फॉर एग्जाम्पल पेयर, स्कोर, 100, 1000, ये सब नाउन्स यूज कर लिए, तो ये नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएंगे. अगर इनके आगे कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव है तो एग्जाम्पल आई वॉट 4 dozen oranges. 4 और dozen, इनका कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा, हम इनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करेंगे. लेकिन अगर इन सबके बाद में ऑफ वर्ड का यूज हो जाए, ठीक है, ऑफ, तो फिर हम इन्हें प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल थाउजेंड्स ऑफ पीपल गो फॉर हज एवरी ईयर. यहाँ पे बिकॉज ऑफ का यूज है तो हम इस नाउन को प्लूरल बना के लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज रूल नंबर 17. कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन उनका मीनिंग जो है ना वो सिंगुलर फॉर्म का होगा. तो आपको देखना है कि जो वर्ड है उसका मीनिंग कैसा है. सिंगुलर है अगर तो सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, अगर प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब यूज करोगे. फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब क्या है, ऑल्दो इनके आगे एस है, ये प्लूरल फॉर्म में है लेकिन इनका मतलब तो सिंगुलर है ना, इसलिए हम इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. रूल नंबर 18. कुछ नाउन सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनका मीनिंग जो है वो प्लूरल होता है, ठीक है, तो ऐसे नाउन्स के साथ में हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे. ज्वेंट्री, कॉलोजी, इन्फेंट्री, पॉलिट्री, ये सब क्या है, प्लूरल नाउन्स है, ऑल्दो देखने में ये सिंगुलर है, तो इनके साथ में वर्ब कैसा लगेगा, प्लूरल लगेगा. कैटल आर ग्रेजिंग इन द फार्म. रूल नंबर 19. कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो दोनों फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी. इनके साथ में आप कभी एस ई एस लगा के इनको सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाते हो, ठीक है, ये हमेशा इसी फॉर्म में यूज होंगे. फिश, शीप, सीरीज, डियर, एयरक्राफ्ट, ऑफस्प्रिंग, ये सब ऐसे ही यूज होते हैं. अगर आपने इनको सिंगुलर या प्लूरल बनाना है, ठीक है, तो आप इसके साथ में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दो, ठीक है. अगर प्लूरल बनाना है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा दो,
अगर सिंगुलर बनाना है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा दो, लेकिन इनका खुद का फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होगा। रूल नंबर 20, देयर आर सर्टेन नाउन्स जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, हम उनका एस हटा के उन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते, वो होते ही प्लूरल है, तो इसलिए हम उनके साथ में वर्ब भी प्लूरल यूज करते हैं। एग्जाम्पल, पैंट्स, ट्राउजर्स, सिजर्स, सनग्लासेस, इन सब के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा। वेयर आर माई ट्राउजर्स, ट्राउजर्स है और वर्ब कैसा लगाया हमने, प्लूरल। रूल नंबर 21, कंपाउंड नाउन इज नॉट प्लूरल इफ इट इज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। अगर आपका कंपाउंड नाउन, फॉर एग्जाम्पल 10 डे, ठीक है, ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है तो फिर वो प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। 10 के बाद में तो ऑब्वियसली डेज आना चाहिए ना, बिकॉज 10 की बात हो रही है, प्लूरल है वो चीज, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, अ 10-day tour, है ना, एडजेक्टिव है तो हम इसीलिए यहाँ पे प्लूरल नहीं बनाएंगे। 5-foot लॉन्ग रूम होगा, 5 feet लॉन्ग रूम नहीं होगा। रूल नंबर 22, हमने अपोस्ट्रोफी एस के बारे में बात की थी, पोजेशन शो करता है जो, तो अगर समवन के साथ में या समवन समबडी के साथ में हम एल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो जो अपोस्ट्रोफी एस है ना वो एल्स के साथ में लगेगा, समवन के साथ में नहीं लगेगा। करेक्ट फॉर्म विल बी एल्स के साथ में अपोस्ट्रोफी एस। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं आपके एग्जाम में। देखो क्या होता है ना, जब हम एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो हम जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट होता है ना, टाइम मैनेज करना होता है हमें, तो हम जल्दी जल्दी में ना ये बेसिक से मिस्टेक्स ओवरलुक कर देते हैं। आपको इन्हीं चीजों को ओवरलुक नहीं करना है, आप ये चीजें ध्यान से पढ़ोगे, एक सेंटेंस को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लोगे तो आप बहुत बेसिक से एरर्स इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनका मैंने सिंगुलर और प्लूरल आपको बताया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। You can pause the video and take a screenshot of it. One thing that I would like to emphasize on, sister-in-law ka plural hoga, sisters-in-law and not sister-in-laws. Law ke saath mein aap S nahi lagaoge, sister ke saath mein S lagega. So this was all about the rules of noun. I hope aapko yahan tak samajh mein aa gaya hoga. If you want कि आप आगे के parts of speech के rules भी देखो, then please subscribe my channel. And if you like this video, please hit the like button. Thank you.